यूपी का जनपद सीतापुर, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि एक शख्स ने शराब के नशे में परिवार के ही 5 लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोपी ने पहले अपनी मां को गोली मारी, फिर हथौड़े से पत्नी को मारा और 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। दरअसल ये घटना मथुरा थाना क्षेत्र के पलहारपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशेड़ी था और मानसिक रूप से परेशान था, जिसने बीती रात को नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि सुबह जब घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने अनुराग के घर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां उसे घर में लाशें दिखाई दी। इस दौरान मासूम आदविक की सांसें चल रही थीं, जिसे आनन फानन में लखनऊ ट्रोमा सेंटर भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत भी घोषित कर दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है, इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जाँच की गई तो वहाँ पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है, उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा, FSL टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है व विस्तृत जांच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। खैर, पुलिस ने वारदात वाली जगह से एक अवैध हथियार बरामद किया है, जिसको लेकर जाँच की जा रही है। बहरहाल इस घटना के बाद जहां पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पूरे इलाके में दहशत के साथ मातम छाया हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतापुर से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।